जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका चौथा वचन। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यह वचन हमें किस आनंद की ओर लेके जाता है? यह वचन हमें किस आनंद के बारे में बताना चाहता है? क्योंकि इस समय जब पौलुस ये पत्री लिख रहा था, वो जेल में था, वो जेल में था, वो कैद था। किसके लिए? परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। और उसका मन आनंद से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में आनंद था। उसने आत्मा में प्रभु को देख लिया था। उसने आत्मा में परमेश्वर की योजनाओं को भांप लिया था। उसने आत्मा में परमेश्वर के चरणों की परमेश्वर की उपस्थिति को देख लिया था, उसको महसूस किया था। इसलिए वो कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। वह बार बार कहता है और यही आनंद हमारे अंदर बना रहे। पौलुस चाहता, परमेश्वर चाहता है कि मेरा आनंद तुझ में बना रहे। और वो कब बना रहेगा? जब हम उसको जानेंगे, जब हम उसकी उपस्थिति को जानेंगे। इसलिए पौलुस यहां पर इसी अध्याय में फिलिपियों का 1:9 कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कि मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका प्रेम बढ़ेगा। सोचिए, जब आप पहले यीशु मसीह में आए थे, जब पहले आप चुने गए थे, जब आपका बपतिस्मा हुआ था, और आज, आज आपके प्रेम में कितना फर्क है। आज आपका प्रेम स्थायी है, स्थिर है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की योजना को जान गए हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्यार को जान गए हैं। आज कोई भी सता हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। आज कोई भी कलह हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। आज हमारा कोई भी रिश्ता परमेश्वर से हमको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्रेम समझ और ज्ञान के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मरियम को जब मैं पढ़ता हूं और जब मैं उसको उसके जीवन को महसूस करता हूं, मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूं। वो मरियम जो प्यार करती थी, जिसकी मंगनी होने वाली थी जोसेफ से, लेकिन उसने उस रिश्ते की परवाह नहीं की। और जैसे ही जिब्राइल दूत उसके पास आया और उसने कहा कि परमेश्वर तेरे द्वारा उद्धारकर्ता को जन्म देने वाला है, पवित्र आत्मा आच्छादित होगी तुझ पर और तू एक बच्चे को जन्म देगी जिसका पिता परमेश्वर कहलाएगा। हालेलुया। जिसका पिता परमेश्वर होगा। हालेलुया। देखिए, वो आनंद से भर गई, वो आनंद से भर गई, क्योंकि उसकी आत्मा ने परमेश्वर को देख लिया था। उसकी आत्मा ने परमेश्वर की योजनाओं को समझ लिया था। उसकी आत्मा ने उस उद्धारकर्ता जन्मे प्रभु को देख लिया था जो उसकी कोख में आने वाला है। इसलिए जन्म से पहले ही उसने क्या कहा? लूका 1:47-48 में आपके लिए पढ़ूंगा, और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। उसने आत्मा में परमेश्वर की आशीष को देख लिया था। उसने आत्मा में आनंद महसूस किया था। उसकी आत्मा ने आनंद महसूस किया था कि अब इस धरती से शैतान का खात्मा होने वाला है। अब इस धरती से शैतान खत्म हो जाएगा, मृत्यु खत्म हो जाएगी, जीवन होगा, ज्योति होगा, परमेश्वर होगा, परमेश्वर का राज्य होगा, स्वर्ग के बीच में हम लोग रहेंगे और परमेश्वर के चरणों में रहेंगे। उसकी आत्मा ने आनंद महसूस किया था। आज हमारे पास कौन सी आशा है? यही आशा है कि हम आने वाले वक्त में परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, हम परमेश्वर के संग राज्य करेंगे, हम सदा 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 यीशु के रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। यही आनंद तो है जो हमारे साथ है, यही आनंद तो है जो हमारे बीच में है, यही आनंद तो है जो हमें जीवन में सुरक्षा देता है और हमें सुख देता है। धन्यवाद, धन्यवाद। इब्राहिम को परमेश्वर ने जब चुना, देखिए उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने क्या कहा इब्राहिम को चुनकर, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं जैसे ही परमेश्वर का यह वचन इब्राहिम तक पहुंचा कि तू संसार से अलग हो, तू मूर्तियों से अलग हो,
तुझे मैं अपना बनाने वाला हूं, तेरे द्वारा एक वंश चलाने वाला हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं महसूस करता हूं कि इब्राहिम ने वो अपनी आत्मा में देख लिया था। उस प्रॉमिसिंग लैंड को इब्राहिम ने अपनी आत्मा में देखा था, उस वंश को इब्राहिम ने अपनी आत्मा में देखा था, सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए इब्राहिम ने अपनी आत्मा में देख लिया था और वो आनंदित था कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे परमेश्वर ने कहा है। इसलिए अगर आप इब्राहिम के जीवन को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कितने भी सताव आए, कितने भी संकट आए, लेकिन इब्राहिम डरा नहीं, इब्राहिम डरा नहीं, और परमेश्वर और परमेश्वर की आवाज के द्वारा, परमेश्वर की आवाज के द्वारा, आवाज के आधार पर उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। क्योंकि वही आनंद है, वही आनंद है कि हमें अपने आप को समर्पित करना है। पौलुस ने भी कहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। कहां पर कहा है? जेल में। क्या था उसके पास? सलाखे, बेड़ियां। वो आराधना करता था, स्तुति करता था। कैसे? उन बेड़ियों को बजाते हुए, उन जंजीरों को बजाते हुए। उसके पास गिटार नहीं थे, उसके पास ढपली नहीं थी, उसके पास जंजीरें थी। उन जंजीरों को बजाते हुए वो आनंद ले रहा था और कह रहा था कि आनंदित रहो, क्योंकि यही आनंद है, यही आनंद है जो हमें परमेश्वर के साथ बांटना है। और यही आनंद यीशु मसीह देने आया है, क्योंकि जो सजा, जो दर्द, जो सताव यीशु मसीह ने सहा है, हम और आप नहीं सहन कर सकते। इसलिए हमारे लिए हर पल आनंदित है, हमारे लिए हर पल सुख का है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, तू महान है, तेरी उपस्थिति में सुख है। कोई सताव हमें हिला नहीं सकता है, कोई रिश्ता हमें पीछे नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं, मेरी आत्मा आनंदित है प्रभु में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगते हैं। धन्यवाद, प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। दोस्तों, अगर ये आपको मेरे उपदेश, ये जो मेरा स्वर्गीय मन्ना पसंद आ रहा है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और मुझे रिजल्ट पता चले, मुझे आपका रिएक्शन पता चले, ताकि मैं और उत्साहित होकर परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचनों की सेवा करता रहूं। आमीन।